3 जनवरी 2024 आज अदानी ग्रुप के सामने फाइल हुई पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, अभी लाइव चल रहा है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं इस देश के, उन्होंने ये कहा है कि जो सेबी है उसको डायरेक्शन दिया है कि वो सेबी इस मामले में ये जांच करे कि लोगों ने, कॉमन सिटीजन्स, इन्वेस्टर्स, इन लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से कोई लॉस किया है क्या। और शॉर्ट पोजीशन की तो फिर वो लॉस हो गया लोगों को। तो अगर लॉस पाया जाता है आपकी जांच में, मतलब सेबी को ये कहा कि आपकी जांच में हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो शॉर्ट सेलिंग के लिए ही लीक किया गया था या बनाया गया था, तो सेबी को जांच करने के बाद सूटेबल, मतलब कि कानूनी कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है। सीजीआई ने ये कहा कि पब्लिक लिटिगेशन जो है वो एक जरिया है जहां से कॉमन सिटीजन हमारे पास आ सकते हैं और न्याय की गुहार लगा सकते हैं। मगर उन्होंने चेतावनी भी दी, उन्होंने कहा कि PIL जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के ऊपर दाखिल होती है और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको वो क्वेश्चन करते हैं, जो और स्टेचुटरी रेगुलेटर्स को भी वो क्वेश्चन करते हैं, तो ये स्टेचुटरी रेगुलेटर और हमारी कंपनियां भी, जो इन्वेस्टर है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है। मतलब कि ये क्या हो गया, कोई भी पूछेगा ना, करोड़ों वो जो IPO था उसके पैसे भी अदानी ने रिटर्न करने पड़े क्योंकि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया। और CGI ने ये कहा है कि ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, उनको आप एविडेंस नहीं मान सकते हो, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि सेबी ने गलत प्रूव किया। ये अभी जजमेंट आना बाकी है।